श्रीलंका एशिया कप के फाइनल में 17 को भारत से मुकाबला। आखिरी बॉल पर 2 रन बनाकर पाकिस्तान को हराया। श्रीलंका ने नाबाद 49 रनों की पारी खेली। तो क्या पूरी हाईलाइट दोस्तों, जानने के लिए बने रहिए वीडियो अंत तक। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले। डिफेंडिंग चैंपियन श्रीलंका ने एशिया कप 2023 के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। टीम ने गुरुवार रात सुपर 4 मुकाबले में पाकिस्तान को 2 विकेट से हरा दिया है। टीम 11वीं बार इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची है। 17 सितंबर के खिताबी मुकाबले में श्रीलंका का सामना भारत से होगा। कोलंबो के आर प्रेमसाद स्टेडियम में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 42 ओवर में 7 विकेट पर 252 रन बनाए थे। डीएलएस मेथड के तहत श्रीलंका को जीत के लिए 252 रनों का टारगेट मिला था। श्रीलंका ने 42 ओवर में 8 विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। पाकिस्तान के लिए मोहम्मद रिजवान और इफ्तिकार अहमद ने 108 रनों की पार्टनरशिप की। दोनों ने वनडे एशिया कप के पाकिस्तान के लिए 6 विकेट पर सबसे बड़ी साझेदारी की। पाकिस्तान के लिए मोहम्मद रिजवान ने सबसे ज्यादा 86 रनों की पारी खेली। उनके अलावा अब्दुल्ला सफीक ने 52 रन बनाई और आखिरी में इफ्तिकार अहमद ने 47 रन बनाई। अन्य कोई भी बल्लेबाज कुछ खास खबर नहीं कर पाया और पूरी पाकिस्तान की टीम ने 42 ओवर में 252 रन बनाई और श्रीलंका को जीत के लिए 253 रनों का टारगेट दिया। जवाब में श्रीलंका ने कुशल मेंडिस 91 रन और सदीरा समा विक्रम 48 रन और चरिता श्रीलंका की 49 रनों की पारी की बदौलत श्रीलंका ने इस मुकाबले को आखिरी ओवर में हासिल कर लिया और पाकिस्तान को 2 विकेट से हरा दिया और फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अब फाइनल में भारत का सामना श्रीलंका से होगा जो कि 17 तारीख को खेला जाएगा। आपके अनुसार फाइनल मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी, हमें कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा। और क्रिकेट से जुड़ी इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।